हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने भी समाज अजमल एंड अब चैनल देख रहे हैं क्रिकेट का जुनून। आई होप दैट यू ऑल आर फाइन एंड नॉट फाइन। ठीक होंगे, ठीक भी होंगे और नहीं भी होंगे। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड 50-20 मैच समझी। पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया तो इंग्लैंड को बैटिंग की दावत दी तो इंग्लैंड ने 20 ओवर खेल के 209 रन बना डाले और सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट हुए। डेविड मलान ने 70 रन नॉट आउट, ब्रूक 46 रन नॉट आउट, डगे 30 और रिसाल्ट ने 20 रन बनाए। पाकिस्तान की जानब से मोहम्मद हसन ने 1 खिलाड़ी को आउट किया और 2 खिलाड़ी इंग्लैंड के रन आउट हुए थे। जवाब में पाकिस्तान की टीम 20 ओवर खेल के 142 रन बना सकी और 8 खिलाड़ी आउट हुए। शान मसूद 56, कुलदीप शाह 27, इफ्तिखार 19 और नवाज 9 रन बना सके। इंग्लैंड की जाने से क्रिस वॉक्स ने 3, डेविड विली ने 2, सैम करन ने 1 और अदे रशीद ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। इंग्लैंड ने ये मैच 67 रन से जीत लिया और टी ट्वेंटी मैच की सीरीज 4-3 से जीत ली। ठीक है जी, अब बात करते चले असल पॉइंट पे। लकीर के फकीर। यह मैं सिर्फ एक को नहीं कह रहा हूँ, यह मैं सबको कह रहा हूँ, सारे लकीर के फकीर। सब ने कसम उठाई है कि एक ही विकेट कीपर खिलाना है, एक टीम में 2 विकेट कीपर नहीं खेलने, समझ आ गई बात। उसके बाद एक टीम में 2 तरह के ऑलराउंडर्स नहीं खिलाने, एक ही टीम में 2 तरह के लेग स्पिनर नहीं खिलाने, या लेग स्पिनर के तौर पर शादाब खेलेगा या उस्मान कादर खेलेगा। ठीक है जी, विकेट कीपर में भी देख लें या रिजवान खेलेगा या हारिस खेलेगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं खेलेंगे। ठीक है जी, उसके बाद ओपनर्स की बात करते चलें तो बाबर और रिजवान ही ओपन करेंगे, बाबर ने भी कसम उठाई है कि मैंने ओपनर ही जाना है। चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मेरे मुझसे रन हों या ना हों, मैंने ओपनर ही जाना है। ठीक है जी, उसके बाद लकीर के फकीर, मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि जब आप 210 रन का टारगेट चेस कर रही हैं और 5 स्कोर पे आपके 2 आउट हो गए और 2 मेन बैट्समैन इनफॉर्म आउट हो गए हैं और वहाँ पे आप जो है वो पावर प्ले चल रहे हैं, 3-3 बंदे जो हैं वो सर्कल दायरे में खड़े हैं, आपने वही स्ट्रेटजी अपनाई है कि नंबर तीन पे शान मसूद ठीक आए हैं, जब रिजवान आउट हुए तो उसके बाद इफ्तिखार को भेज दिए, वहाँ पर आप मोहम्मद नवाज़ को भेज देते या आसिफ अली को भेज देते, वहाँ पर पावर प्ले चल रहा है और तो इतनी सुस्त बैटिंग की है आपने, 200 रन का टारगेट आपने एक दे दिया उनको जी, इफ्तिखार को नंबर 4 पे भेज दिया है। फिर वही हालत, इतनी स्लो बैटिंग, ये इन्होंने मैच जीतने की कोशिश ही नहीं की है। और दूसरी बात करते चले जी, शान मसूद ने जो ये जो 56 रन बनाए ना 43 के अंदर, ये इन्होंने अपने लिए बनाए हैं कि जी मेरा नाम होगा कि अगर मैं भी स्कोर ना करता तो पाकिस्तान टीम 100 से पहले ही आउट हो जाती। ये जो शान मसूद ने जो 50 बनाई है ना, जो 2 मैचों में, वो 2 मैचों में इन्होंने 50 इसलिए बनाई है कि इन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए जो है ना 50 बनाई है, ताकि मेरा नाम सबको याद रहे कि अगर मैं ना स्कोर करता, अगर मैं 50 ना करता तो पाकिस्तान की पूरी की टीम 100 रन भी ना कर पाती। मोहम्मद रिजवान के अलावा कोई स्कोर ही नहीं कर रहा है। ठीक है कि बाबर आजम की इतनी मतलब बुरी परफॉर्मेंस नहीं है टी ट्वेंटी सीरीज में, एक 50 है उनका, 100 भी है, लेकिन आप कप्तान हैं ना, आपको तो परफॉर्मेंस करनी होगी। पहले आपने फील्डिंग पे कैचेस ड्रॉप कर दी है, ठीक है जी, आप क्या कहते हैं वसीम जूनियर को मार पड़ी है और आप उसी को वापस ओवर करा रहे हैं। नवाज ने आपने सिर्फ 1 ओवर कराया, शादाब ने 3 कराए, इफ्तिखार ने भी 4 करा दिए, वही कसम उठाई है। 2021 के टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हसन अली ने कैच छोड़ दिया, एशिया कप के फाइनल में शादाब खान ने कैच छोड़ दिए, और कल इंग्लैंड के गए फाइनल टी ट्वेंटी मैच में बाबर आजम और वसीम जूनियर ने कैच छोड़ दिए। ये तो कोई तरीका नहीं है ना, हारिस रोम के अलावा तो किसी भी बॉलर ने अच्छी बॉलिंग नहीं की है।
शान बागदा हानी को जो है वो सिर्फ चार T20 मैच खिलाई गई हैं, जिसमें से दो में वो कामयाब रही हैं और बाकी दो में उनको मार पड़ी है। फिर हसनैन को भी मतलब अब देखें जी, बॉलिंग में इन्होंने मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन मतलब इन्होंने ट्राई किए हैं बॉलिंग में, बैटिंग में इन्होंने कोई कॉम्बिनेशन नहीं ट्राई किया, ठीक है जी। बैटिंग में इन्होंने कोई भी मतलब ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं दिया किया, वही स्ट्रेटजी इन्होंने जो है वो बनाई है, क्रिएट की है, जो ऑलरेडी चलती आ रही है। अब शान मसूद को आप देख लो, 33 पे 30 आउट हो गए हैं और आप जो है वो इजनली सर्वो बैटिंग कर रहे हैं। अब यही खुलदे शाह को आप देख लो, अब ये खुलदे शाह ने यहाँ पे 27 रन बनाए और 25 गेंदों का इसने सामना किया। अब यही बैटिंग अगर ये डोमेस्टिक में कर रही होती या PSL में ये बंदा कर रहा होता और ऐसी जरूरत होती तो इसने ये जो से इसने जो 25 गेंदें खेली हैं यहाँ पे कल के मैच में, 27 रन बनाए हैं, उधर डोमेस्टिक में अगर होता या PSL में होता तो ये इसे 25 गेंदों पर जो है वो 50 बना देने थे। इफ्तिकार की जहाँ तक देखें कि इफ्तिकार की भी इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं है, मतलब इंग्लैंड की अगेन T20 सीरीज में इन्होंने भी अच्छी बैटिंग की है, लेकिन हालत नहीं है। जब तक अपनी दोस्ती नहीं छोड़ोगे, अपनी मनमानियाँ नहीं चुकनी छोड़ोगे, जब देखें जब खिलाड़ी अगर रमीज राजा ने अपने खिलाड़ी जो है वो अपनी मर्जी के लेने हैं, जब रमीज राजा ने सारे खिलाड़ी अपनी मर्जी से खिलाने हैं या अपनी मर्जी से शामिल करने हैं, तब चीफ सेलेक्टर का क्या फ़ायदा, कप्तान का क्या फ़ायदा, कोच को क्या फ़ायदा, खुद बनाए टीम खुद सेलेक्ट करे, अपनी मनमानियाँ मारी हैं हर किसी ने। अभी भी ये कह रहे हैं जी, सकरान मुश्ताक का आप स्टेटमेंट देखो, वो कह रहे हैं जी कि जी हमारे मिडल ऑर्डर में जो है वो इतमाद है और हम उनको जो है तनकीद का निशान बना रहे हैं। क्या इतमाद है उनका, वो पहले परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं तो फिर उनको उन पर तो तनकीद होगी। बस जी कसम उठाइए कि जी एक ही विकेट कीपर खिलाना है, एक ही लेग स्पिनर खिलाना है, या शादाब खेलेगा या उस्मान कादर खेलेगा, रिजवान नहीं खेलना है। अब वो रिजवान भी ज़्यादा कब तक स्कोर करे, उसने स्कोर करने का सिर्फ ठेका तो चुका है क्या, बाकी खिलाड़ी यहाँ पे क्या कहते हैं, बाकी खिलाड़ी जो हैं यहाँ पे वो तीर मारने के लिए आते हैं। जिस मैच में रिजवान स्कोर करेगा अल्लाह अल्लाह बल्ले बल्ले होगी और मैच जीत गई और रिजवान ने स्कोर कर दिया, हम तीन रन से मैच जीत गए, हम 5 रन से मैच जीत गए। वसीम जूनियर साहब को मार पड़ी और बार बार बाबर साहब उसको जो है वो बॉलिंग में लेके आ रहे, वो हारे स्लो एक एंड पे स्लो मार रहा है और वो जी इंग्लैंड के बल्लेबाज कैच पकड़ा रहे हैं और कैच ड्रॉप हो रहे हैं। बैटिंग में आपके जो 210 रन का टारगेट जज कर रहे हो, 5 खिलाड़ी 5 स्कोर पे 2 आउट हो गए हैं, पावर प्ले चल रहा है और लकीर के फीके की तरह इफ्तिकार को नंबर 4 पे भेज दिया आपने, वहाँ पे भी मुझे सारी चीज़ समझ आई ये क्या है। नवाज को भेज देते, शादाब को भेज देते, या फिर आसिफ अली को भेज देते, हैदर अली को बुखार हुआ तो वो ये मैच ही खेले, तो खुद शाह की बजाय मोहम्मद रिजवान तो खिला लेते, हारिस को एक मौका और दे देते, उसको एक मैच की बुनियाद पे जो है वो टीम का बैक कर दिया, अब नहीं नज़र आएगा आपको टीम के। खुदा का नाम है भाई, अपनी मनमानियाँ करनी छोड़ दो, अपने काम से काम रखो। रमीज राजा अगर आप चेयरमैन हैं तो आप अपना काम करें, चीफ सेक्रेटरी वसीम को अपना काम करने दें, बाबर आजम को अपने फैसले खुद करने दें, उस बेचारे से रन ही नहीं हो रहे, वो बेचारा खुद जो है फंसा हुआ है, वो बेचारा खुद दबाव का शिकार है। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हो रही है हमारे जैसे सरफराज अहमद की परफॉर्मेंस देख रहे हैं नेशनल T20 कप में, इमाद वसीम की परफॉर्मेंस देख रहे हैं आप उधर CPL में, वो जो
कैरेबियन प्रीमियर लीग होती है। अभी तक आपने नहीं महसूस हो रही शान महसूस, क्या चीज़ मार दी, 50 खेले हैं, 50 रन जो उसने बनाए हैं दो मैचों में उसका 50 है, वो 50 उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए किया जी, कि अगर मैं भी ना स्कोर करता, मतलब अगर मैं भी 50 ना करता तो पूरी टीम 100 रन भी ना कर पाता। रिजवान रन किए जा रहा है, बाबर की भी इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं है, अच्छा जी एक बात और मैंने सुनी है कि रमेश राजा साहब ने कहा है कि अगर ये जो अब न्यूजीलैंड में ट्राई सीरीज खेलनी है, जो न्यूजीलैंड में हमने T20 वर्ल्ड कप से पहले वहाँ पे ट्राई सीरीज है, बांग्लादेश पाकिस्तान है न्यूजीलैंड, अब रमेश राजा का कहना है कि जी अगर हमारा मिडल ऑर्डर उस ट्राई सीरीज में भी हम देखते हैं कि अगर वहाँ पे भी अगर हमारा मिडल ऑर्डर जो है वो नाकाम हुआ तो हम तब्दीलियाँ अपनी टीम में कर सकते हैं। भाई आप अंधे हो, आपको नहीं नज़र आ रहा कि आपका मिडल ऑर्डर एक्सपोज हो रहा है, एशिया कप से लेके ये इंग्लैंड के T20 सीरीज तक आपको आपकी आंखें अभी भी नहीं खुली हैं कि आपका मिडल ऑर्डर एक्सपोज हो रहा है, कौन सा खिलाड़ी जो है वो रन कर रहा है, कौन सा खिलाड़ी रन नहीं कर रहा है, आप अपनी आँखें मतलब आपने अपनी आँखें बंद की हैं, आपको नहीं पता चल रहा है कि हमारा क्या प्रॉब्लम रहा है हमारा है एशिया कप में भी और इंग्लैंड के अगेंस्ट T20 सीरीज में भी, जब आप अपने घर में ही आपका मिडल ऑर्डर जो है वो नाकाम हुआ है न्यूजीलैंड में आप क्या उम्मीद करके बैठे हो कि न्यूजीलैंड में यही जो खिलाड़ी जो है ये आपको रन करके दे देंगे, आंखें बंद की हैं इस बंदे ने अपनी, मुझे तो समझ नहीं आती इनके बयान की। चीफ सेलेक्टर को तनख्वाह दे रहा है, कोचेज को अलग तनख्वाह दे रहा है, लेकिन मनमानियाँ जो हैं खिलाड़ी जो हैं ये अपनी मर्जी की टीम में रह करता है, ये जिन खिलाड़ियों को इजाज़त देता है वही खिलाड़ी टीम में होता है, जिस खिलाड़ी की क्लियरेंस देता है वही खिलाड़ी टीम में है और जिसकी नहीं देता वो नहीं है टीम में। जो खिलाड़ी मीडिया में आके इनके खिलाफ बातें कर लेगा उसको जो टीम से बाहर कर दिया जाएगा। हमारी बॉलिंग इतनी बुरी नहीं है, ठीक है जी, हमारी बॉलिंग ने देखें जी जो दो T20 मैचेस हुए जो पाकिस्तान टीम ने डिफेंड करके विन किए हैं जी, हम वो हमारे बॉलर्स ने की मेहनत थी, हम अगर एशिया कप हारी हैं और अगर हम इंग्लैंड के अगेंस्ट भी T20 सीरीज हारे हैं ना तो हम हारे हैं अपनी नाकिस बैटिंग और नाकिस फील्डिंग की वजह से और पुअर कैप्टनसी की वजह से। कभी मेन इवेंट में हसन अली क्या छोड़ देता है, ठीक है जी, T20 वर्ल्ड कप के सेमी फाइनल में 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हसन अली ने क्या छोड़ दिया, एशिया कप के फाइनल में शादाब ने छोड़ दिया, इंग्लैंड के अगेंस्ट आखिरी T20 मैच में बाबर आजम ने छोड़ दिया, अब होगा क्या, अब न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ट्राई सीरीज में कोई और खिलाड़ी कैच छोड़ देगा, फिर T20 वर्ल्ड कप 2022 में कोई और खिलाड़ी कैच छोड़ देगा। इन्होंने बारियां लगाई हैं कि इस सीरीज में हमने कैच छोड़ना है, अगली में इसने छोड़ना है और उससे अगली में उसने छोड़ना है, अब देखते हैं कि ट्राई सीरीज में कौन खिलाड़ी कैच छोड़ता है और कौन खिलाड़ी जो है वो स्कोर करता है। मुझे तो अभी तक रमेश राजे की बात नहीं समझ आ रही कि जी न्यूजीलैंड में भी हम देखते हैं कि हमारा मिडल ऑर्डर कैसा है, अभी आपकी आँखें बंद हैं क्या आपने एशिया कप में अपने मिडल ऑर्डर बैट्समैन की परफॉर्मेंस नहीं देखी, इंग्लैंड के अंगेज नहीं देखी, अपने होम ग्राउंड में ये नाकाम हो रहे हैं, UAE कंडीशन में ये नाकाम रही हैं और अपने घर में इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज हार चुकी हैं, आपको अभी तक नहीं पता चल कि हम सीरीज हार क्यों रही हैं। बॉलिंग में इन्होंने मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन बना लिए, बैटिंग में इन्होंने क्या खाक किया, मोहम्मद हारिस शान मसूद या वो आमिर जमाल में से किसी एक खिलाड़ी को इन्होंने रेगुलर खिलाया है, आमिर जमाल को भी दो मैच खिलाए हैं उसके बाद अगले मैच में पता ही नहीं उसका, हारिस को एक मैच खिलाया है उसके बाद हारिस गैप, ये कहाँ की खानियत है।
हैदर अली की तबीयत ख़राब होगी, खुलदे शाह ने परफॉर्मेंस नहीं दी, उस खुलदे शाह को फिर उसने चांस दे दिया। खुलदे शाह की नस्बत रिजवान खेलता और दोनों विकेट कीपर खेलते, लकीर का फ़कीर।